नंबर 84 में 85 में कि मोह के चिन्ह क्या है, राग और द्वेष के चिन्ह क्या है। मोह इधर से नहीं कर लो भैया, मोह राग और द्वेष के चिन्ह क्या है, क्या चिन्ह क्या है, मोह के चिन्ह क्या है, पदार्थों का अयथार्थ ग्रहण और मोह का चिन्ह क्या है। हाँ ऐसा अपने क्लास मोह का चिन्ह क्या है। अरे आप बोलो नहीं, आप बोलना जिससे पूछा उससे पूछ रहे बताओ, बोलो तो हाथ खड़ा करके ऐसे नहीं, बताओ बताओ आप मालूम मोह के। हाँ बताओ किसके प्रति, तेरे अंचर मनुष्यों के प्रति लिखा नहीं इसमें देखो, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या गाथा मिली करुणा भावो या क्या लिखा आगे, गाथा नंबर 85 क्या लिखा, करुणा भावो या त्रियंच माने त्रियंच और मनुष्येषु माने मनुष्यों में, त्रियंच और मनुष्यों में जो करुणा भाव है वो मोह का चिन्ह है। ये बात आप लोगों को जानती है क्या है, जानती है क्या, जानती है क्या, त्रियंच और मनुष्यों पर करुणा भाव मोह का चिन्ह है, तो मोह नहीं करना चाहिए, करुणा भाव नहीं करना चाहिए, मनुष्य पे करुणा करनी चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसको मोह का चिन्ह कह रहे हैं यहाँ तो है? करना चाहिए एक बात बताओ, जो काम अपने हाथ में ही नहीं हो, जिस काम को अपने में करने की ताकत ही नहीं हो, उस काम को करने का भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्यों, जो काम आप कर ही नहीं सकते हो, अपने को चुनाव लड़ना चाहिए प्रधानमंत्री का, लड़ना चाहिए लेकिन लड़ने की ताकत किसमें है, कहाँ लड़े, जो चीज अपने से बननी नहीं है, मतलब जिसको करने की शक्ति नहीं है, बालू रेत में से तेल निकालना चाहिए, घी में से ए बालू रेत में, पानी में से मक्खन, आग को ठंडा करने की कोशिश, नीम को मीठा करने की, कुत्ते की पूछ तेल करते, ये सब प्रोजेक्ट डालो अपने से, क्या बालू रेत में से तेल निकालने का प्रोजेक्ट, पानी में से घी निकालने का प्रोजेक्ट, तो हिंदुस्तान में सब संभव है, उसके नाम पे भी कोई लोन ले आए लेकिन ये काम असफल होंगे कि सफल होंगे, क्यों, इन कामों में क्या होगा, सफलता होगी क्या असफलता, असफलता, क्यों असफलता होगी, असफलता क्यों होगी, पत्थर पे बीज बो मुर्दे को जलाओ, रेगिस्तान में बालू रेत में से पानी निकालो,
ये चीज संभव है क्या? नहीं है ना, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कर ही नहीं सकता। तो ये जीव मनुष्यों का और त्रियंचों का भला और बुरा कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है कि नहीं? तो फिर करने का भाव बुरा है कि खोटा है? कर नहीं सकता, और करने का भाव करे तो बुरा है ना। जो काम हम कर ही नहीं सकते उसको करने का भाव करने से मतलब क्या है? है? जो काम अपने से बनना ही नहीं है, मुर्दा मर गया, अपने घर में कोई मर गया, अरे जी जाए, तो ऐसे भाव करने से सिद्धि क्या? लोग कहते ना मेरी उम्र इसको लग जाए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको मालूम है सबको कि किसी की नहीं लगती। लगती तो ही नहीं है, इसलिए बोल दो अपने क्या जाए क्या। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, तो अपना अपना पिताजी क्या जाए? तुम जियो हजारों साल, जो हमको मालूम है जीना तो किसी को है नहीं हजारों साल, साल के दिनों 50,000, न साल में 50,000 दिन है और न तुम हजारों साल जीने वाले हो, लेकिन ऐसी मीठी मीठी बात करने से हमारा नुकसान क्या है? हम तो ठोकने को तो हम कुछ भी ठोक दें, कौन मना कर रहा क्या? लेकिन वो जो भी उसने वो भाव किए भला बुरा करने के, वो भाव मिथ्या है कि नहीं है? जो चीज कर नहीं सकता है उसको करने का भाव वो सच्चा है कि झूठा है? क्यों? हम किसी का भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? भला करने का भाव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाद में बात है। पहले बताओ भला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और बुरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते ना? भला बुरा क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हम दूसरे का भला बुरा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम उसके क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके जो करने वाले हैं वो कौन है? उसके स्वयं के उपार्जित कर्म, जो उसने अपने भाव से जो कर्म उपार्जित किए हैं वही उसके भले बुरा करने में कारण है। हम उसका कुछ भी भला बुरा कर नहीं सकते क्या? उसका भला बुरा उसके खुद के कर्मों से होगा, और वो कर्म भी उसके अपने खुद के भाव से उपार्जित किए गए हैं, माने वो उसने जो भाव किए हैं उन भाव से जो कर्म बांधा है उससे उसका भला बुरा होगा। जब उससे उसका भला बुरा होगा तो फिर हमारा ये भाव करना माने जबरदस्ती किसी के फटे में पांव डालना, जब वहाँ आपस में चीन निपट रही है, करने वाला कर्म देने वाला कर्म सब कुछ उसका कर्म कर रहा है, तो तुम कौन तीसरी खेत की मूली आ गए जो उसके करने का विचार करने लग गए? जब ऑलरेडी सब व्यवस्था बनी बनाई है, है उसका क्या होना है, उसके एक एक समय का जो निर्धारण है वो उसकी योग्यता से और निमित्त कारण में उसके कर्म जब कर ही रहे हैं, तो फिर मैं उसका भला कर दूँ? तो वो कहते हैं तुम कौन मुल्ला की काजी कौन होता है, इसको कहते हैं मियाँ बीबी राजी, तो कौन क्या करेगा? तुम कौन हो मतलब बीच में, जब वो भी है और ये है, नहीं एक और कहावत इसके अलावा, तुम तीसरे कौन भाई? जीव खुद उसके बाधा कर, अरे दो अपने काम कर रहे हैं, अब तुम तीसरे कौन पार्टी आ गए जो तुम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो कि मैं इसका भला कर दूं? तुम कौन होते हो? उसका भला करने वाला यदि कोई है तो वो उसका कर्म है, उसके खुद के भाव है। उपादान से देखो तो उसके खुद के स्वयं की शक्ति, उसकी योग्यता, हर समय की पर्याय की योग्यता, और निमित्त कारण से देखना है तो उसका बांधा हुआ कर्म,
अब तीसरे तुम कहाँ से आ गए जो तुम उसके भी इस बारे में सोचने लग गए कि मैं इसका अच्छा कर दूँ। तुम्हारा क्या नॉलेज उसमें, तुम जबरदस्ती बीच में घुस रहे हो, तुम अपनी 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 करो ना, अपनी निपटो। क्या बेंगानी साथी हम दिन क्या शास्त्र लिखे किस अपना खुद के लिए लिखे, तुम्हारे लिए लिखे, तुम्हारा हो जाए तो हो जाए, तुम तो जानते ही थे, मेरे को भी नहीं जानते, हमें तो जानते ही नहीं। उन्होंने अपनी मम परम शुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते ये लिखा, पर परिणति हेतु मोह नाम नो अनुभाव विरत मनुभाव व्याप्ति कल्माशिताया मम परम शुद्ध शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्येवानुभूते। मेरी राग द्वेष परिणति मलिन हो रही है, मेरी परिणति विशुद्ध हो इसलिए मैं समय सार की व्याख्या लिख रहा हूं। पर परिणति हेतु मोह नाम अनुभाव, ये मोह के कारण से मेरी परिणति माने मोह के अनुभव करने से, मोह के विपाक मोह के उदय से मेरी परिणति कैसी हो रही, मेरी हो रही। पर परिणति हेतु उसका हेतु कौन है, मोह नामक कर्म। पर परिणति हेतु मोह नाम अनुभाव विरत मनुभाव व्याप्ति कलमाशिताया मेरी परिणति में कलुषित बना रहा। मम परम विशुद्धि मेरी परम विशुद्धि हो, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति, शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति की प्राप्ति हो। बहुत समय सार व्याख्यवानुभूते, ये समय सार की व्याख्या से मुझे मेरी अनुभूति की शुद्ध चिन्मात्र दशा की मेरी परिणति की विशुद्धि की प्राप्ति हो, ये मैं लिखा इसके लिए। कहीं नहीं लिखा, अमृत चंद्राचार्य देव का लिखते हैं, ये शास्त्र जो है शब्दों से पद रचा गए, पदों से वाक्य रच गए, वाक्यों से शास्त्र बन गया। हे संसार के जीवो तुम मोह में मत नाचो कि अमृत चंद्र ने इस शास्त्र को बनाया। हे मेरे साधनी, यहाँ तो अमृत चंद्र की एक लाइन लेके उस पर अपना टावर ठोक दे, कॉपीराइट करा ले, मैंने लिखा। और वे आचार्य क्या कह रहे हैं कि शब्दों से अक्षर बन गए, अक्षर से पद बन गए, पदों से वाक्य बन गए, वाक्य से शास्त्र बन गए। और ये हे मोही जीवो तुम ये मत नाचो इस मोह में कि अमृत चंद्र ने इसको बनाया। इसका नाम है तीन कषाय चौबड़ी का भाव। हमने शास्त्र नहीं रचा है, शास्त्र रच गया है, तुम मोह में मत नाचो कि हमने रचा है। अरे महाराज आपने तो क्या, तुम मोह में नाच रहे हो, कहते हैं कि हम कुछ नहीं करते किसी का, क्या पूरा शास्त्र इस पर लिखा हुआ है, क्या स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म यदि अपने को फल नहीं दे रहे हो तो दूसरा आके फल दे दे तो अपने सारे बांधे हुए भाव, अपने सारे कर्म तो बेकार ही चले गए ना, अपने भाव भी बेकार गए। दिन भर मंदिर में बैठे रहिए पुण्य बांधा तो शाम को कोई आदमी आके ठिकाने लगा तो दिन भर का पुण्य क्या, दिन भर के पुण्य ने क्या किया, और दिन भर बांधा पाप किया और शाम को किसी के अपन ने मक्खन पॉलिशी की, हे पारसनाथ सुख शांति भव हो तुरंत ही आनंद मंगल लाए रही व्रत के दिन भाई पारसनाथ जी ने शुरू, और पारसनाथ तो सही कर दे तो वो पारसनाथ ईमानदार हुए कि बेईमान, दिन भर पाप करके आया और उसको एक पूजा में छोड़ दिया इन्होंने, और ये बेचारा दिन भर धर्म करके आया और इसने पारसनाथ की नहीं की शांतिनाथ की कर ली, पारसनाथ ने उसको सुख शांति नहीं दी, संपत्ति दी नहीं तुरंत। ऐसे पारसनाथ देने वाले हैं शांतिनाथ देने वाले हैं, कोई देने आएगा? और देने यदि पारसनाथ पाप का फल छोड़ के, करो पाप और देने पुण्य का फल, और करो पुण्य और देवे पाप का फल, तो पारसनाथ ईमानदार कहलाएंगे क्या, ईमान बेईमान कहलाएंगे?
हैं, और वो भी केवल पूजा आरती से ही, माने वो तो उस पुलिस ऑफिसर से भी गए बीते हुए ना, ये पुलिस ऑफिसर को भी जब तक आजकल नोट नहीं दे तब तक वो किसी को छोड़ता नहीं है, लेकिन इन भगवान ने तो इनके पास एक भक्त आया और उस भक्त ने जरा से सिफारिश करी, जरा भक्ति करी, तो हमारे प्रति उसने जो भी बुरा किया था उसके सब अपराध ही माफ कर दिया, उनका छुट्टी बेटा। हम ऐसे भगवान के पास क्यों जाएंगे, हम जाएंगे तो कम से कम ऐसे पुलिस के पास जाएंगे जिसके पास वो यदि अपने को छुड़ाने भी जाएगा तो कम से कम कुछ पैसे खर्च किए बिना नहीं छोड़ेगा उसको, तो भगवान तो एक भक्ति में ही छोड़ दे, जाओ कल्याण भवतु। क्यों तो कहते हैं कहाँ कोई कर सकता है किसी का, कर सकता है ये तो मान्यता खोटी है, सब अपने अपने भाव का फल भोग रहे हैं दुनिया में, सब अपने अपने किए हुए कर्मों का फल, इसलिए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास अपने भाव है, तुम अपने भाव करो, वही तुम्हारी पूंजी है, तुम्हारे अच्छे भाव तुम्हारी पूंजी है, और तुम्हारे खोटे भाव ही तुम्हारा कर्जा है, वो कर्जा छूटेगा नहीं दिए बिना, और अच्छे भाव जो तुमने किए हैं उसकी पूंजी तुम्हारे को मिले बिना रहेगी, मिलेगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए, अपने कर्म सिवाय जीव को दूसरा देता है, ये विचार बहुत अच्छा है, उसने मेरा ये किया यानी ये किया यानी ये किया, दिन भर गृहस्थी में यानी ये कर दिया वाने वो कर दिया यानी कर दिया, इसने हमारा बिगाड़ कर दिया, इसने भला कर दिया, इसने सुधार कर दिया, इसने ये किया, इन्होंने क्या अच्छी चीज़ बनाई, इन्होंने अच्छी नहीं बनाई, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अज्ञान के नशे में नाच रहा है, इसने काम बहुत अच्छा किया, इसने बिगाड़ दिया, इसने मेरा बहुत भला किया, इसने बुरा किया, तो व्यवहार में इसलिए तो मिथ्या दृष्टि कहलाता है ना, कहने की बात है ना कि मानता ऐसे ही है, व्यवहार में कहने के लिए होता है, व्यवहार मानने के लिए नहीं होता है, और हम मानते वैसे ही है बल्कि कहते अलग है। व्यवहार का मतलब क्या होता है कि अज्ञानियों की भाषा का नाम है व्यवहार, जो अज्ञानी जगत एक दूसरे को कर्ता बना के बातें करता है, जो परमार्थ नहीं है वैसा कहना उसका नाम है व्यवहार, परमार्थ नहीं होने का नाम ही व्यवहार है, व्यवहार का मतलब ही क्या है कि वो परमार्थ नहीं है, सत्यार्थ नहीं है, असत्यार्थ है, अमूर्तार्थ है, वैसा वस्तु स्वरूप है नहीं, कहा जाता है जगत के अज्ञानी जीवन में ऐसा रूढ़ व्यवहार है क्या, लेकिन उसमें कुछ भी दम नहीं है, परमार्थ सत्य वो नहीं है, परम सत्य कुछ और ही, वो केवल लौकिक व्यवहार और एक केवल एक व्यवस्था के लिए है, लौकिक व्यवस्थाओं के लिए, बाकी उसमें परमार्थ नहीं है, परमार्थ तो बहुत अलग ही चीज़ है, वो सब लौकिक व्यवस्थाओं सब सारे मनुष्य गति की व्यवस्थाओं, ये मेरा मकान है, ये मेरे आभूषण है, ये सब व्यवस्था किसकी है, मनुष्यों की, मनुष्य गति की है, सब लोकी व्यवस्था गति संबंधी, त्रियंत्र में कोई होता है क्या, त्रियंत्र भी कोई अपने गले में कोई गाय जो है सोने का हार पहन के घूमती हो, डायमंड का दिखाए दूसरी गैया को, देखो रियल है, रियल डायमंड, दूसरी गैया देख के सब उसने कहा बहुत अच्छा है, दिव्यंचर में कोई व्यवहार ही नहीं है, सब नाभिकों में नहीं है, देवों के अपने उदय से जो भी है वो है, सब मनुष्य के व्यवहार पेन के आगे आएगा सब कुछ, इधर व्यवहार मनुष्यों के इनमें कोई तथ्य भी नहीं है, क्या ये केवल चार छह जने मिल गए और माने एक ने कही देखो ये इससे हो गया, एक ने वहां कही, एक ने वहां कही, ये मेरा सुख, ये मेरा हार, ये तेरे हार, ये मेरे वस्त्र, ये तेरे वस्त्र, ये मेरा ये, ये तेरा वो, ये सब केवल मनुष्य गति का व्यवहार है, मनुष्य गति जब तक है तब तक दो चार दिन का खत्म है, लोग तो किराए का लिया उसको भी कहते मेरे, इसमें कोई दम है मतलब इस व्यवहार में, शरीर ही किराए का मिला है,
तो गहने आभूषण किसके हैं? मिट्टी के हैं, मिट्टी के पुद्गल के, अपने तो नहीं है वो। मिट्टी के हैं, मिट्टी मिलेंगे, एक प्रकार की मिट्टी है। ये सब मनुष्य में व्यवहार है, इसलिए तथ्य नहीं, ये मेरे हैं, ये तेरे, ये सब अपन ने इसलिए कि भाई आदमी छीना झपटी नहीं करे, एक दूसरे में प्यार से रहे, शांति से, एक जो आपने जगह बना ली चलो मकान उसी में घुसो, नहीं तो कहीं भी घुस जाओ भाई। अपन अगर भी अपन छूटेंगे तो सब अपने अपने मकानों में घुसेंगे ना, कोई भी इधर उधर थोड़ी घुस जाए, फिक्स है। तो व्यवस्थित व्यवस्था, नहीं तो अपने को पता ही नहीं चले कब कौन घुस जाए, अपन भी कहाँ जाए। जानवरों जैसी व्यवस्था तो नहीं है ना, जानवरों का कोई ठिकाना नहीं होता, कहीं भी घुस जाते, जो मिल जाए खाने को, कोई व्यवहार रिश्तेदारी कुछ नहीं, तो एक व्यवस्थित व्यवस्था के लिए। बाकी सब परमार्थ में, परमार्थ ढूंढो तो अपन कहेंगे कुछ नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं वहाँ अपना कोई कैसे सकता। जब शरीर ही अपना नहीं है तो परमार्थ में वास्तव में निश्चय से कोई भी अपना कैसे हो सकता है? ये केवल एक मनुष्य गति का व्यवहार है, ये मेरा मकान है, ये दुकान है, केवल मनुष्य गति का। और व्यवहार से कहा जाता है एक क्या कहें अपन, एक सदाचार और एक न्याय नीति को कायम रखने के लिए, कि मनुष्यों में न्याय नीति बनी रहे, एक अच्छे सभ्य जैसे जिए, मनुष्य जैसा जी सके, जानवर नहीं बने इसके लिए। बाकी उसमें तथ्य नहीं है कि ये वो उसका हो गया, क्योंकि दुनिया का कोई भी परमाणु किसी का होता ही नहीं। ऐसे इसमें भी कोई तथ्य नहीं है कि कोई किसी का भला कर देता है या बुरा कर देता है, क्योंकि वास्तव में भला बुरा सबको अपने अपने कर्म के उदय से मिलता है। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता भी, दूसरा देता है ये विचार छोड़ो और स्थिर हो, ये प्रमादी बुद्धि है कि दूसरा हमको देता है, इसको इस बुद्धि को छोड़ो, आनंद करो, इससे भय खाने की जरूरत नहीं है कि हमारा कोई बिगाड़ कर देगा, हमने उसका ध्यान नहीं रखा तो हमारा बिगाड़ कर देगा, क्या बिगाड़ कर देंगे कि साहब हम 10 शादी में गए और अब 11वीं में नहीं जाएंगे तो हमारी रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। अब ऐसी क्या रिश्तेदारी जो एक शादी में नहीं जाने से खत्म हो जाएगी, और उसमें भय काय का हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा क्या दे देते हैं लाख लोग जाते ही नहीं इधर उधर बैठने के लिए उठने के लिए, जाते ही नहीं जाते अपनी शादी ब्याह में, काय के लिए भयभीत होके जाते नहीं, मेरे बच्चे की कैसे होगी तो मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा। अपन यदि किसी के मरे में नहीं जाएंगे तो अपने में कौन आएगा, नहीं आएगा, समझ लो। जैसे अपन अभी में किसी के बैठ नहीं जाते तो क्या मेरी लाश को आग नहीं लगेगी, और नहीं भी लगेगी तो मेरे क्या चिंता होगी, लोग उठ के तो उठाने में कोई नहीं आएगा, बताओ उठाने में नहीं आऊंगा तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा उससे। तो किस बात का भय, कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा तो शरीर को नहीं मिलेगा, अब उसको कुत्ते बिल्ली भी खा जाए तो काय की चिंता है। नहीं 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 नहीं, अरे क्या नहीं नहीं, वो तो एकदम बिल्कुल जड़ मृतक कलेवर है ना, उसको कुछ भी हो उससे अपना क्या प्रयोजन है, अपन तो तब तक दूसरी गति में चले जाएंगे। तो भय किस बात का, किसका भय, हम किसका भय करें कि कोई हमारा बिगाड़ कर लेगा, और हम किससे किसकी चापलूसी करें कि वो हमारा सुधार कर देगा, और हम किसकी चिंता पालें कि हमें इनका भला करना है, और हम किस किस का विचार करें कि हमको इनका बुरा करना है। जब हमारा हाथ में ही वो चीज नहीं है तो हम ये फालतू के विकल्प करें क्यों, जब हर एक जीव का अपना अपना कर्म ही कर रहा है तो हमारे ये सब विकल्प झूठे नहीं तो क्या सच्चे हैं, क्यों सच्चे हैं कि झूठे हैं? अपने अपने बच्चों को सबको पढ़ाना है, उनको कलेक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, किसी को क्या बनाना है, अब वो क्या बनाना है वो तुम सोचते रहे हो, बाकी उसका अपना कर्म भी कोई चीज है कि नहीं है कि सब कुछ तुम ही बना दोगे हैं? वो अपने साथ कुछ अपना टिफिन लेके आया कि नहीं आया कि सब टिफिन तुम ही दोगे यहाँ पे, क्यों नहीं करूंगा
समझ में नहीं आता मेरे को। और आजकल के माँ बाप तो इतने वो है उसमें कि उनका बस चले तो स्कूल भी पहुँच जाए उसके साथ बस में। थोड़ा मतलब अपने को थोड़ी कर्तव्य तो बुद्धि कम हो गए भाई, इसकी खुद की भी अपनी एक योग्यता है कि नहीं है कि हमको वहाँ तक कहाँ तक। अभी मेरी कल क्लास थी वह लाल मंदिर में, कल और परसों सप्लीमेंट्री पेपर चल रहे हैं पास में, तो भीड़ लगी रहती थी बाहर सारी माओ की, उनके बच्चे एग्जाम देने जाते हैं तो 3 घंटे वहीं बैठे रहते। फिर मैं गाड़ी खड़ी कर रहा था, सुन रहा था उनकी बात भाई, मैं तो यहीं बैठी, मेरे बच्चे को मैं यहाँ बाहर बैठी, उसका पेपर बहुत अच्छा जाता है। अब मैंने कहा यदि सचमुच इसका तेरा इतना ध्यान था तो इसको सप्लीमेंट्री का ही महीना ही करना। सप्लीमेंट्री की एग्जाम है वहाँ है और कुछ नहीं है। नहीं क्या करें, ऐसा बोझा है चित्त पे कि मैं नहीं करूँगा तो इनका क्या होगा। तो वो अंदर में जो मान्यता है ना वो पूरी की पूरी बैठी की बैठी, मतलब वस्तु स्वरूप को अप्लाई क्या किया उसने, किया क्या, फिर वो तो सब ऐसी आई थी। मतलब अपने भी चित्त में यदि पूरी आकुलता है तो सारा करने का ठेका अपने चित्त पे है, वो पूरा रात दिन उसी में ही तन्मय है। अरे लोग तो कहाँ तक कितनी कितनी व्यवस्था करते हैं, हमने तो अपने जीवन में भी देखा ना, हमारे तो कुछ भी नहीं करते थे ये, यहाँ स्टॉप स्टॉप छोड़ने की तो बात दूर की बात है, न कोई उठाना न कोई कुछ, टिफिन में भी हम बना देते, हम सब भाई बहन मिलकर टिफिन बनाते थे अपने अपने साथ और खुद ही भरते थे। हमारी मम्मी तो हमारी मम्मी चली जाती थी प्रवचन उस टाइम, सभी उठते थे हम लोग, अपने तैयार होते थे अपने अपने खुद ही। हमें तो कभी याद नहीं, मेरे पाँचवीं के बाद मेरे पिताजी माताजी किसी स्कूल में गए हो, देखे ही नहीं उन्होंने। पाँचवीं के बाद के जितने भी स्कूल हैं वो कोई स्कूल नहीं देखा हुआ। छठी का फॉर्म मैं खुद लेके आया था, वो किसी से भरवाया था मैंने और फॉर्म उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा मम्मी पापा को लेके आप, हमारे पिताजी ने कहा कह देना हमसे कि हमारे मम्मी पापा है ही नहीं, गुजर ही नहीं उनका, मैंने कह भी नहीं सही में, तो बड़ा ध्यान रखते थे मेरा सही इनकी है नहीं। हम तो बाहर निकल रहे हैं क्या करें, क्योंकि बैंकों में ट्रांसफर होते तो बाहर निकलते हैं आधे से आधे, उनकी पोस्टिंग नहीं थी यहाँ पे, वो कहाँ जाते हैं, कहाँ बैंक में जाते हैं छोड़ के, क्या करते हैं, नौकरी छोड़नी पड़ती उनको, एक एक के स्कूल में जाते थे कुछ नहीं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है कि कितने ही तुम पीछे पड़ भी जाओगे तो भी क्या हो जाएगा, और तुम ज़्यादा उसका विकल्प नहीं पाल के और उसके थोड़े उसके उदय पर भी भरोसा रखोगे तो भी क्या बिगड़ जाएगा। असली में उसके खुद का उदय और उसका खुद का उपादान ही काम करने वाला है। हम अपनी चिंता कर सकते हैं, वो अपनी चिंता कर सकते हैं, और उसको अपनी चिंता करने दो थोड़ी तो वो अपने पाँव पे भी खड़ा होएगा पूरा। उसको आखिरी टाइम तक लालीपॉप दे के उसके मुंह में देखोगे तो उसकी योग्यता ही नहीं बन पाई, क्या हर चीज उसको कर करके देंगे स्पून फीडिंग वगैरह। तो इसलिए वो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई ज़्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, क्या अब वो जो तुम काम कर ही नहीं सकते उसको करने का भाव करोगे तो अब हम इसको झूठा नहीं कहेंगे तो क्या सच्चा कहेंगे। लोगों को लगता है देखो कि क्रूर किसी के बुरा करने का भाव, ये मोह का चिन्ह यदि मैं कहूँ तो सब लोग एक हाथ से कहेंगे हाँ ये मोह का चिन्ह है किसी के बुरा करने का भाव। अब मैं कह रहा हूँ कि ये वैसे ही मोह का चिन्ह है जैसा जैसा है ना, जैसे किसी को मारने का भाव यदि आप कहते हो कि मोह का चिन्ह है तो बिल्कुल उतने ही परसेंटेज का मोह का चिन्ह ये है कि किसी को बचाने का भाव। जैसे अच्छा क्यों है किसी को मारने का भाव होगा, क्यों सब मारने का भाव तो ही नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, बचाने का भाव होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि ना तो मारने का होना चाहिए ना बचाने का होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि मारने का भाव इसलिए बुरा नहीं है क्योंकि वो किसी की इसमें हिंसा होती है, इसलिए बुरा नहीं कह रहे हम, तुम मार सकते ही नहीं हो और तुम फालतू में मारने का भाव कर रहे हो, समझ में नहीं बात नहीं आ रही क्या है, इसलिए नहीं बुरा है वो,
नहीं मार मारने का भाव बहुत बुरा है, उससे लोगों की हिंसा हो जाती है, लोग मर जाते हैं, उससे लोगों का बुरा होता है, वो बिगाड़ होता है, पाप का बंद होता है, तो नरक चले जाते हैं, उस समाज में हिंसा फैल जाती है, हैं अनीति और अराजकता और ये और वो, ये सब बातें बेकार की, क्या फैल जाता है उससे मतलब नहीं है। सवाल ये है कि वो तुम कर ही नहीं सकते, जब वो नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल उतने ही लेवल पे तुम किसी को बचा भी नहीं सकते। यदि मारने का भाव बिल्कुल झूठा है क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है इसलिए झूठा है, तो ऐसे ही तुम्हारे हाथ में नहीं होने से बचाने का भाव भी झूठा है, इसलिए वो मोह का चिन्ह क्योंकि मिथ्या है, फोकट ऐसे ऐसे चिन्ह इस तरह के भाव आ रहे हैं बार बार, तो अभी तुमको वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया कि वास्तव में वस्तु स्वरूप क्या है। तुम्हें अभी कलम के श्रद्धा मरे जा रहे तुम और बहुत अच्छा, अरे ऐसा मेरे को तो ऐसे भाव आते हैं बिल्कुल, गाय देखते ही मैं तो बस पागल हो जाता हूँ, मेरे तो ऐसे भाव होते हैं कि गाय कैसे बचे, मैंने तो कल जो है गाय के लिए ये काम किया, गाय को ऐसा व्यवस्था करी है बिल्कुल तो बच्चों में लगा हुआ, तो गाय में लगा हुआ, तो कुत्तों में लगा हुआ, ऐसा मान ही नहीं कि हमने किया इतने, कोई कह रहा मैंने इतने आदमियों को भला कर दिया, जो अपनी आत्मा का भला करेगा तो उससे पर का भला होता है, वो करने का करता नहीं है, होता है, और होता क्या है वो होने में भी जो आदमी अपना भला करता है उसका ही होता है, वो करने पे उसके 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 उससे होने से क्या हो, भगवान की द्विध्वनि तृतीय सबके लिए समान, लेकिन जो अपना हित करता है वो उसके लिए कार्यकारी होती है, और नहीं करे हित तो क्या करे। ऐसे भी जीव नहीं होते जो वहां बैठ के भी अपना हित नहीं करते, बैठ रहते हैं उनके दिमाग में जोर चलता है। यदि भगवान को एक सजेशन ऐसा ही देना चाहिए, ये भगवान ये धर्म थोड़ा टफ है, इसको आप थोड़ा लाइट करो, थोड़ा हल्का, थोड़ा इजी करो, तो मेरे को मिलेंगे जब नीचे आएंगे भगवान तो मैं सजेशन तो दूंगा, इसको थोड़ा हल्का, इसको इजी बनाओ आप, क्या ये इतना टफ कर रखा आप, तो वो उसकी बुद्धि काय में लगी, अपना कल्याण करने की लगी हुई, वो तो वो भगवान को क्या सजेशन दे रहा आपको। कई लोग ऐसे जो जिनवाणी समझने में अपनी मतलब वो जिनवाणी के हिसाब से अपनी मति को नहीं बनाते हैं, वो सोचते हैं कि अब अपने को जिनवाणी को इस तरह से ढालना चाहिए कि जिससे इजी हो जाए, इजी हो जाए नहीं, जिससे लोग बहुत सरल करो इसको, ऐसा थोड़ा लीनियंसी करो, थोड़ा टाइम के हिसाब से करो, अब इतनी रात हो गई है, आजकल कहाँ तो सब लाइटें वाइटें आ गई है ना, आप थोड़ा खाना वाना चालू करो, आलू प्याज आलू प्याज तो पुराने जमाने में होते थे इसमें जी, अब तो सब चलता है, अब सब अब टाइम बहुत चेंज हो रहा है, इतना मॉडर्न टाइम आ गया है, तो है बुद्धि तो अपनी ठीक करनी थी और ये अपनी बुद्धि के हिसाब से शास्त्र ठीक करने में लगा। फिर से एक जन ने कहा, बोले ये सारे शास्त्र को जो है ना अब आप मॉडर्न युग में ट्रांसफॉर्म करो, बोले ये एक प्रोजेक्ट लो आप अपने हाथ में, क्या किया जाता है आप ही कर सकते हैं काम, जैसे गाली देना सामने वाला आदमी अपने, मैंने कहा तेरे को ऐसा क्या लगा भले आदमी, जो मैं कर सकता हूँ नहीं, आपने पढ़ रखा है बोले नया चीज भी और ये भी पढ़ रखा है तो आप इसको मॉडर्न कर सकते हो, मॉडर्न फॉर्म है, मैंने कहा मैं तो बहुत पुराना आदमी, मैं मॉडर्न को होल्ड करने में लगा हुआ, और ये मेरे से कह रहा है कि इसको धर्म को नए तरीके से कर, धर्म तो वही कम ही रहे, धर्म तो सिद्धांत है, अब ये सिद्धांत मॉडर्न क्या करेगा भाई, ये सिद्धांत है कि हर जीव को अपने अपने कर्मों का फल मिलता है और सब जीव अपने अपने भाव का फल भोग रहे हैं, इसलिए जबरदस्ती किसी दूसरे का कुछ करने का भाव करना है वो मिथ्या, क्योंकि भगवान जिनेंद्र नहीं कर सकते किसी का, तो कोई क्या कर सकता है, क्योंकि भगवान जिनेंद्र की वाणी भी जिसको लगती है उसको ही लगती है, जिसको नहीं समझ में आती तो नहीं आती। मैंने कहा ना जिनवाणी सुन के भी लोगों ने अपनी बुद्धि चलाई तो कोई क्या कर सकता है,
जिसको सुनना है समझना है, जिसको अपनी बुद्धि पलटना है वही पलटेगा, जिसको ये सुन के भी थोड़ी अपनी बहुत बहुत करना है। कोई कोई शास्त्र कुछ करते नहीं, पुस्तक कुछ नहीं करती है, कोई कुछ नहीं करता है, जो पलटना जिसको जिस जो अपने आप को स्वयं को पलटता है तो उसके लिए सब निमित्त होते हैं, और जब नहीं पलटता है तो ये होने पर भी उसका काम नहीं होता, नहीं पलटता है तो नहीं पलटता है। कोई कितनी उद्देश्य क्या करो, उद्देश्य निमित्त मात्र, शिक्षा मात्र सबके लिए देते, अपने घर पर अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते, उनको जो करना होता वही करते, कभी कभी बिना शिक्षा दिए कर लेते हैं और कभी शिक्षा देने के बाद में उल्टा काम करते हैं। तो इसलिए ये बात कही उन्होंने क्या कि हिंसा में मारने की बुद्धि है, बचाने की अहिंसा में बचाने की बुद्धि है, लेकिन दोनों में दूसरे का करने की बुद्धि है, और अपनी आयु पूरे हुए बिना कोई मरता नहीं है और अपनी आयु अवशेष बिना कोई जीता नहीं है, इसलिए मारने का भाव भी वैसे ही बुरा है, बचाने का भाव भी कैसे बुरा है जैसा मानो। यह है कि एक में पुण्य बंधेगा एक में पाप बंधेगा, लेकिन मिथ्या तो दोनों में बंधेगा, इसलिए उन्होंने इसको मोह का चिन्ह कहा। मतलब इसमें ये नहीं कह रहे वो कि ये राग द्वेष के लिए अलग चीज कहेंगे, ये मोह का चिन्ह है क्योंकि कर नहीं सकते और करने का भाव। अब ये बात 90% लोगों को गले नहीं उतर, इसलिए इसका कई लोग अर्थ अमृत चंद्राचार्य देव तो करते ही नहीं, इसलिए कई लोगों को अमृत चंद्राचार्य देव पसंद नहीं, जिनको ये बात जस्ती नहीं है उनको अमृत चंद्राचार्य देव नहीं जस्ती, इसलिए कई लोग पढ़ते ही नहीं उनकी टीकाओं, वो पढ़ते हैं जयसेनाचार्य देव, ये निषिद्ध है। अमृत चंद्राचार्य देव की टीकाएं पढ़ना ही नहीं, बिल्कुल एक तरफ पर रखें, क्योंकि अमृत चंद्राचार्य देव की टीकाएं ऐसी है जिसका आधार लेके जयसेनाचार्य देव ने टीका लिखी। जयसेनाचार्य देव तो कुछ बात नहीं, जयसेनाचार्य देव की पूरी टीका पर छाप है उनकी, पूरी पढ़ना, मैंने तीन तीन बार पढ़ी जयसेनाचार्य देव डिक्टो, कई बार तो पूरे के पूरे उदाहरण भी वही दिए उन्होंने, कोई कोई चीज लिखी और खुद ने उदाहरण दिए, अत श्री अत मतलब इन्होंने जो चौकतम उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने बहुत आदर सूचक वाक्य से कहे कि अरे प्रभु ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, ऐसे शब्द लिखे उन्होंने उनके लिए, किन के लिए, अमृत चंद्राचार्य देव, और वो जयसेनाचार्य देव को पढ़ने वाला है मतलब उनके गुरुजी, तो वहाँ को बार बार आदर से स्मरण करते हैं और ये उनको पढ़ाती नहीं है। और कुछ भी तर्क पटान देंगे, कठिन है, कठिन कठिन लग रही है ये कठिन लग रही है, तेरी अंचोर मनुष्यों के प्रति करुणा बुद्धि से मोह को जानकर, हाँ कठिन तो है ये, कठिन तो है मानने में बहुत कठिन है, ये स्पष्टी नहीं है, चलो गले नहीं उतरती है, क्योंकि क्या है कि वो संस्कार पड़ेंगे, जब अपने अंदर के मुंह पे हथौड़े पड़ते ना तो अपने अच्छी नहीं लगती बात है, बात ये क्या है, बिल्कुल परम सत्य बात, कौन माने क्योंकि पूरी दुनिया की बुद्धि ये, और जन सामान्य को भी ये बात कहो कि देखो अमृत चंद्राचार्य देव ने गलती कर दी, हाँ गलती कर दी अमृत चंद्राचार्य, क्योंकि जन सामान्य की भी तो यही बुद्धि है, करुणा भाव करना चाहिए, करुणा भाव के नाम पे कितने वो लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं शिविर नहीं, करुणा भाव के नाम पे कितने करोड़ों अरबों रुपये का प्रोजेक्ट है, बड़ा बड़ा करुणा भाव के नाम, देखो इसमें पढ़ो आप ऑप्शन प्रकाशन के सबके बाद आ गया ना, थोड़ा सा पढ़ते हैं अपना आश्रम तत्व की भूल, पेज नंबर 230 225, पेज नंबर निकालो 230 होना चाहिए, 225 के आगे 26 सॉरी 226 निकाला, 226 पेज नंबर निकालो, आश्रय तत्व का अनता रूप सर्व जीवों के, पैराग्राफ नंबर तीसरा, सर्व जीवों के मिला, मिल गया, सुनना नहीं तो मेरे को सुनोगे भी समझ में आ जाएगा, सर्व जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने कर्म के निमित्त से होते हैं, ये बात स्वीकार करते हो कि नहीं करते बता, ये जैन दर्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, और जैन दर्शन का बेसिक प्रिंसिपल जो अपनी करनी, जैसे अपनी करनी का फल आपको भोगना चाहिए, भाव में करूँगा तो उन भाव का फल किसको भोगना चाहिए,
मेरे को, और मेरे को मेरे भाव का ही फल मिलना चाहिए ना, दूसरा मेरा कोई क्यों करे। तो मेरा यदि दूसरा करने वाला हो गया तो मैं पराधीन हो गया, समझा है ना। तो पराधीन व्यवस्था नहीं, अपनी अपनी हर आत्मा स्वतंत्र है, स्वाधीन है, वो भगवान के अधीन नहीं है कि इधर बेचारा सुबह शाम अच्छे शुभ भाव करे और भगवान अपने हिसाब से उसको वीटो पावर करके चल बेटा नरक, क्यों तुमने शाम को आई नहीं पूजा भक्ति करने, अरे भगवान निश्चय हो गए, अच्छा चलो ठीक है नरक नहीं अभी तिरंज में, अभी थोड़ा वहाँ पर जाना पड़ेगा, ऐसे पिक्चर बता देते हैं, यमराज जी बैठे हैं फिर वहाँ हिसाब हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ, इसके खुद के भाव ही है हिसाब करने वाले। क्या भगवान भगवान कहीं नहीं, कहीं कोई जो हिसाब करते फिरते रहे यही उनको यही काम मिला है क्या। और कितने अनंत बढ़ते हैं हर समय में, अनंत और अनंत नए पैदा होते हैं, और एक समय में जीव नई जगह जगह पैदा हो जाता है क्या। इसलिए कोई हिसाब रखने वाला नहीं है यहाँ, स्वयं के जो भाव होते हैं उन भाव से कर्म बनते हैं, उन कर्मों के अनुसार अपने आप जीवों को अपने अपने फल मिल जाते हैं, जैसे वो भाव करता है और उन भाव से जैसे कर्म बांधता है उन कर्मों के अनुसार उसको वैसा वैसा फल स्वयं में प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई किसी को कुछ देने लेने वाला नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसी व्यवस्था है। क्या अन्य मतलब क्या भगवान माने गए, भगवान हिसाब किताब उनका काम यही है, माने सारे लोगों के कर्म थ्योरी को तो पता नहीं क्या करते हो, और जबकि मेरे समझ में भी नहीं आता है कि वो फिर अच्छे भाव करने के लिए कहते ही क्यों है, जब अच्छे भाव से कुछ होना ही नहीं, अल्टीमेटली तो भगवान ही वीटो। जैसे अपन समझ लो कोई मीटिंग करे और अपने से कोई बड़ा जना हो, अपने ऊपर भी कोई हो और बाद में डिसीजन वही देने वाला हो, तो अपना जितने भी अपन ने निर्णय लिया, अपन ने विचार किया, तो अपन कहेंगे भाई ये फोकट बिठाते हैं हमको, क्यों, क्योंकि वो तो ऊपर जाके निर्णय तो जो होगा वो चेंज कर देंगे, तो इसलिए अपन यहाँ सब बैठ के विचार विमर्श करने की जरूरत ही क्या है। जब जब वीटो से ही काम होना है तो फिर ये हमारे सब विचार तो जुटे ही गए ना, हमारी सारी सोच, हमने जितने भी इनको सजेशन भेजे सब झूठे गए। तो ऐसे ही मेरे ख्याल में ये नहीं आता है कि ये जितने भी भाव है यदि इनका कुछ फल ही नहीं मिल रही, अल्टीमेटली भगवान ही करता है, तो फिर ये हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह पाप नहीं करना और सत्य चौर्य ब्रह्मचर्य से रहना ये सब बेकार, खूब तो पाप करो तुम तो बस भगवान को पसंद करके रखना, नहीं तो तुम्हें खबर ले लेगा। तो एक भगवान को प्रसन्न करने का ही काम हुआ ना, बाकी तो दिन भर कुछ भी करो, यही मतलब हुआ ना, तो फिर इसका मतलब तो यही खूब पाप करो और बस शाम को आके उनके भगवान को पूछ लो कि जाके गंगा में नहालो एक आध बार, सब साफ क्लीन स्लेट एकदम। तो ये सिद्धांत जमता है अपने को बता कि भाई हम जो भाव करेंगे तो भाव अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, इसलिए हमें अपने भाव बिगाड़ना नहीं चाहिए, अपने भाव अच्छे रखने चाहिए, हमें अपने परिणामों के संभाल रखना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है सब कैसे भाव से परिणाम से, स्वर्ग है तो कैसे परिणामों से, नरक है तो परिणामों से, साता का उदय तो परिणामों से, असाता का उदय तो परिणामों से, ज्ञान का छह अक्षर मिला कैसे परिणामों से, ज्ञान का उभार है परिणामों से, एक एक समय जो भी भला बुरा हो रहा है परिणामों से, अपन इस शरीर में टिके हुए कैसे परिणामों से, अपने जो भी शरीर में जो भी अवस्था हो रही है कैसे हो रही परिणाम, अपने मोड़ा कैसे परिणाम हो रहे परिणामों से, जो भी कुछ हो रहा है अपना जो भी कुछ अच्छा बुरा जो कुछ भी हो रहा है सब कैसे हो रहा है अपने परिणामों से। तो ये सब जीवों के जीवन मरण सुख दुख अपने अपने कर्म के निमित्त से होते हैं। ये कहता है इसमें सर्वम सदैव नियतम भक्ति सुखी व कर्मो दयान मरण जीवित सुख दोख्यम अज्ञान अज्ञान में तदीयत पर परस्य कुर्यात्मान मरण जीवित दुख सुख्यम। बहुत बढ़िया गाथा है, सर्वम सदैव नियतम भक्ति स्वकीय स्वकीय कर्मो दया मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानम एतदि यत्तु पर परस्य कुर्यात् कुमार मरण जीवित दुख सौख्यम। चल नहीं कुछ नहीं कोई बात नहीं, इसको पढ़ते अपन इसमें हिंदी से ही समझ में जाए, नहीं तो वो उसको कहा था तो बहुत सरल देखो बताए तो एक सेकंड बता देता हूँ। सर्वम माने सबका, सदैव माने हमेशा,
सर्वम माने सबका, हमें सदैव माने हमेशा, नियतम माने निश्चित रूप से, भौति माने होता है, स्वकी माने अपने खुद के, कर्मोदयान माने कर्मोदय से, जीवन मरण दुख और सुख माने सब जीवों के हमेशा ही अपने अपने कर्मोदय से मरण जीवन दुख और सुख निश्चित रूप से होता है। अभी अज्ञानम, ये अज्ञान है, एतद, एतद माने ये अज्ञान है, कौन सा, यत, जो ये भाव, परा, परस्य, दूसरा, दूसरे के, कुर्यात माने करता है, उमा माने पुरुष, दूसरा पुरुष दूसरे का मरण जीवित दुख सौख्यम ये जो करता है वो अज्ञान है। सरल एकदम, सर्वम सदैव नियतम भवति स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित दुख सौख्यम अज्ञानमेतदयत्तु परपरस्य कुर्यात् पुमान मरण जीवित दुख सौख्यम। बिल्कुल सरल है इसके, एकदम ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है, क्या एकदम स्पष्ट है। हमने चंद्राचार्य देव कलश, संस्कृत के कलश है एकदम, तो इसलिए ये तो पक्का हो गया ना। अब देखो, अब ये बात तो पहले फैक्ट रूप में गई कि भाई ये सबका सबका अपने अपने कर्मोदय से जीवन मरण सुख दुख होता है, वहाँ अन्य जीवों के, अन्य जीव, जो व्यक्ति अन्य को, अन्य के जीवन मरण और सुख दुख का उत्तरदायी मानता है वो अज्ञानी है। क्या है वो? अज्ञानी। क्या मानता है? जो ये मानता है कि मैं दूसरे को सुखी दुखी करता हूँ, दूसरे को जिलाता हूँ और मारता हूँ, या दूसरा मेरे को सुखी दुखी करता है और दूसरा मेरे को मारता और जिलाता है। जब अन्य जीव के इन कार्यों का करता हो, अन्य जीव, दूसरा आदमी दूसरे के इन कार्यों का करता हो, किन कार्यों का, सुख दुख और जीवन मरण, माने अन्य जीव, अन्य जीवों के सुख दुख जीवन मरण का करता हो, वही मिथ्या अध्यवसाय, ये मिथ्या अध्यवसाय है और ये बंध का कारण है। क्या इतना है कि अन्य जीवों को जिलाने का या सुखी करने का जो अध्यवसाय है, हे अध्यवसाय कर सकते नहीं और करने का भाव है तो मिथ्या, कर सकते होते और फिर करने का भाव करते तो वो सम्यक कहलाता, लेकिन कर सकते ही नहीं है वो करने का भाव कर रहे हैं तो मिथ्या है। अब इसमें मिथ्या में दो अंतर कर लिया, एक ऐसा मिथ्या जिसमें हमको दूसरे को सुखी करने का या जिलाने का भाव है तो वो वाला मिथ्या अध्यवसाय पुण्य बंध का कारण, और दूसरे को मारने का या दुखी करने का मिथ्या अध्यवसाय वो पाप बंध का कारण। एक में पुण्य बंध होगा, एक में पाप बंध होगा, लेकिन हे दोनों क्या मिथ्या, मिथ्यात्व का बंध होगा कि नहीं होगा दोनों। ये अज्ञान तो अज्ञान वो कहावत ना, यदि शराबी, यदि शराब के नशे में किसी को बचा भी दे, डूब रहा हो कोई आदमी, डूबते आदमी को बचा भी ले तो भी खतरनाक, क्योंकि उसको कोई होश नहीं है, वो उसको उनके पे टांग के सुखा देगा, गीला हो गया वो। तो ऐसे मिथ्या अध्यवसान जो है, अब वही जो है इसमें झूठ है ये बात, कौन सी, वो उसको सुखी करने का भाव है, वो होना ही नहीं है, इसको भाव चल रहा है। शराब पी के कोई आदमी किसी का भला करने जाए तो भी घबराता आदमी, भैया रहने दो तुमसे कोई भला नहीं चाहिए, नहीं मेरे बहुत आपका मैं, अरे आप भले ही कुछ भी करना चाहो लेकिन हमको आपसे करा देंगे, हम अपने आधार पर छोड़ दो, क्योंकि अभी आपकी इस अवस्था में आपसे कुछ बनने ही नहीं है, आपके प्रति हम, आपकी हमारे प्रति बहुत सद्भावना बुद्धि हम जानते हैं, लेकिन वो सद्भावना बुद्धि से अभी आपकी इस नशे में काम नहीं होएगा, तो कैसे होगा, हमारा हमारे से होगा। और ऐसे नशे में कोई किसी को मारने जाए तो भी यदि उसको बराबर नशा नहीं है तो मार भी नहीं पाता, क्या मारेगा, लौकिक में भी मतलब भाई नशे में, तो ऐसे मिथ्या के, मिथ्यात के नशे में है तो वो कह रहे हैं कि भले ही तुम कुछ भी भाव करो, चाहे मारने का भाव कर लो चाहे बचाने का, वो होना जाना तो उससे कुछ नहीं है, इतना है कि चलो तुम्हारी सद्भावना है तो आदमी कहेगा भाई इसके भाव बहुत अच्छे हैं, कम से कम कुछ तो फल मिलना चाहिए, अपुण्य बन जाएगा ये मिथ्या।
लेकिन अच्छे है करने के भाव है तो पुण्य बल का कारण है। और दूसरा मिथ्या अध्यवसाय दूसरे के मारने के भाव अच्छे भाव नहीं, इससे क्या बनेगा पाप, इतना अंतर पड़ा। लेकिन पुण्य और पाप भले ही दोनों पुण्य बंधे चाहे पाप बंधे, बंध की अपेक्षा से कोई अंतर ही नहीं, दोनों क्या है बंध है, संसार के कारण है, एक से देव गति में चले जाएगा एक से नरक गति में। लेकिन मिथ्या तो दोनों में जाओगे रहेगा ना, एक जगह भला करने के भाव है अच्छे बुरा करने के भाव, एक को बहुत भला करने के भाव एक को बहुत बुरा करने के भाव, लेकिन ये दोनों ही नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे में ये कुछ भी करने की ताकत ही नहीं। देखो आगे चलते हैं, तो वहाँ अन्य जीवों को सुखी अन्य जीवों को जिलाने का अथवा सुखी करने का व्यवसाय हो तो पुण्य बंध का कारण है, और अन्य जीवों को मारने का अथवा दुखी करने का व्यवसाय हो पाप बंध का कारण है। इस प्रकार अहिंसावत सत्याधिक तो पुण्य बंध के कारण है, और अहिंसावत और हिंसावत असत्याधिक पाप बंध के कारण है। लेकिन ये सर्व क्या है, ये सब मिथ्या अध्यवसाय है, झूठे हैं ये सब अध्यवसाय, और इसलिए झूठा होने से क्या है त्याज्य छोड़ने लायक, झूठे है ना इनका कोई तथ्य नहीं है। इसलिए हिंसा हिंसावत हिंसाधिवत अहिंसाधिक को भी बंध का कारण जानकर हे ही मान, जैसे हिंसा बंध का कारण है ऐसा हिंसा भी बंध का कारण। कौन से हिंसा, जिसमें बचाने का भाव। देखो क्यों है ये, हिंसा में मारने की बुद्धि हो परंतु उसकी आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं है, ये अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। क्या भाई कुछ कर ही नहीं सकते, जैसे दो द्रव्यों के बीच वज्र की दीवार, अपन कुछ कर ही नहीं सकते। मैं ना जैसे टीवी की पिक्चर देख रहा हूँ, अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, एक अपन अरे मार इसको पीछे खड़ा मार दे, अब वो कह रहे करने का तो कुछ है नहीं, लेकिन ये पाप बांध रहा है कैसे, मारने की बुद्धि तो उसके आयु पूर्ण, अरे उसके डायरेक्टर के बिना मरेगा ही नहीं, आयु नहीं वो डायरेक्टर, लेकिन ये अपनी द्वेष परिणति से आप पाप बांधता ही नहीं। ऐसे यहाँ पे भी आयु रूपी डायरेक्टर के बिना कोई नहीं मरेगा, तुम कितने भाव करते जाओ इसका ऐसा हो जाए इसका ऐसा हो जाए इसका ऐसा हो जाए कुछ नहीं हो रहा, ये अपनी द्वेष परिणति से आप ही पाप बांधता है। और अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो इसका ऐसा हो जाए इसका बहुत भला हो जाए बहुत सुखी हो जाए बस, परंतु उसकी आयु अवशेष में बिना वह जीता है। अरे कोई भी डॉक्टर कभी किसी को चाहता है कि मर जाए, सब बेचारे पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि तो अपने सामने ही उस रोगी को तड़पता हुआ मरता हुआ देखते रहते, क्या बहुत भावना रहती है उसके परिवार वाले डॉक्टर की माँ अपनी उसकी पत्नी देखता है बेचारा, खूब कोशिश करता है सारी कोशिश कर लेता है क्या करें, फिर आखिर इनके ही देता है आयु नहीं थी चला गया। और यदि वो बच जाए मेरे हाथ से जितने ऑपरेशन में सब सक्सेसफुल हुए, और वो बिगड़ता भी है तो वो कभी कभी दवाई ठीक नहीं होती है ये नहीं होती वहां, मतलब वहां इधर उधर ठोक सही हो जाए तो मैंने किया, बुरा हुआ तो आयु नहीं थी तो बिना आयु के तुमने इसको बचा लिया क्यों, तुमने इसको आयु दे दी, ये आयु से जीवित है कि तुम्हारे जिलाने से जीवित है, एक बात तो पक्की करो तुमने आयु का इंजेक्शन लाके दे दिया इसको, ये जो मर रहा है इनको भी दो ना बेचारों बच्चा ही लो इनको, तुम्हारी माँ को क्यों मरने दे रहा, दे उसको भी इंजेक्शन, कोई भी डॉक्टर तो मरना ही नहीं चाहिए ना, डॉक्टर के घर वाले तो नहीं मरना चाहिए क्यों, पत्नी बच्चे मरते कि नहीं मरते, क्यों मरते आयु से मरते, तो वो डॉक्टर जिलाते हैं कि आयु से जीते हैं, आयु से जीते हैं, और जिनके घर में डॉक्टर नहीं क्या वो जीते नहीं है, अपन कैसे जी रहे हैं अपने आयु से जी, उसमें क्या शक,
आयु अवशेष में बिना नहीं मरेंगे अपन, कितने को सोचता रहे और कितने ये भी सोचता रहे कि हम जीते रहे, और आयु अवशेष हो जाए तो कोई जीना नहीं सकता, सब दूसरों के भाव दूसरों के अंदर है। तो हिंसा में मारने की बुद्धि है परंतु उसके आयु पूर्ण हुए बिना मरता नहीं, अपनी द्वेष प्रणति से आप ही पाप बांधता है। अहिंसा में रक्षा करने की बुद्धि हो परंतु उसके आयु अवशेष हुए बिना ये जीता नहीं, ये अपनी प्रशस्त राग प्रणति से आप पुण्य बांधता है। इस प्रकार ये दोनों है, क्योंकि दोनों में कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए दोनों ही बुद्धियां छोड़ने लायक है। जब वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता में प्रवर्ते वहां निर्बंध है, ये दशा चाहिए अपने को, कैसी? वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता में प्रवर्ते, ज्ञाता दृष्टा मर रहा है अपनी आयु से मरा, जी रहा है आयु से जिया, ऐसी प्रवृत्ति हो, ये है सर्वोत्कृष्ट दशा। तो वीतराग होकर दृष्टा ज्ञाता रूप देखने जानने वाला रूप रहे, वहां निर्बंध है, वहां कोई बंध नहीं, सो उपादे ऐसी दशा, उपादे सो ऐसी दशा ना हो तब तक प्रशस्त राग में प्रवर्तन करो, मैंने प्रवर्तन करो ये भी कहने की भाषा, प्रशस्त राग आए बिना रहता नहीं, परंतु श्रद्धांत तो ऐसा रखो कि ये भी बंध का कारण है, बंध का कारण इसलिए है ये मिथ्या है, इसलिए बंध भी क्यों होता है देखो, क्योंकि वो भाव मिथ्या है, बंध यूं ही नहीं हो रहा है कह रहे हम भाव तो अच्छे कर रहे हैं, वो अच्छे से मतलब नहीं, वो झूठा है वो भाव, क्योंकि वो उसकी आयु से जीता है और तुम उसको जबरदस्ती जो है भाव कर रहे हो कि मेरे से जी मतलब ये जी जाए, वो उसका जो होना है वो उसके उससे होगा, तो तुम्हारा जो भाव है उसको बचाने का वो झूठा है, क्योंकि वो बचेगा तो अपनी आयु से बचेगा, तुम्हारे से नहीं बचेगा। तो ये बंद का कारण है छोड़ने लायक, श्रद्धांत में इसे मोक्ष मार्ग जाने तो खतरनाक है, तो मिथ्या दृष्टि होता है। अब क्या करना है ये नहीं सिखा रहे तुमको, तुम्हें ये बता रहे हैं कि इसको श्रद्धांत में बराबर समझो कि ये भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ये बंद के ही कारण है, तो इसलिए ये छोड़ने लायक ही है। मैंने जैसे दूसरे को मारने की बुद्धि छोड़ने लायक है, ऐसे दूसरे को बचाने की बुद्धि भी छोड़ने, बचाने का भाव आता है, वो ये नहीं कि सोचता कि मेरे को तो खूब भाव आना चाहिए, कोई भी काम जो अपन कर नहीं सकते तो अपन ऐसा क्यों चाहेंगे कि ऐसे भाव अपने को आना चाहिए जो अपने को आपूलित करे, जो काम अपन कर ही नहीं सकते हैं ऐसे भाव करने की सोचेंगे क्या, ये हम कर तो सकते नहीं है लेकिन ऐसे भाव आना चाहिए, क्यों मेरे को ऐसे भाव आना चाहिए कि रात को आकाश को तोड़ के नीचे जाओ, अरे पागल जैसे भाव है कि नहीं, जो काम असंभव है ऐसे भाव हम क्यों चाहें हमें अपनी जिंदगी में होना, छोड़ने लायक ना वो भाव, ऐसे दूसरे का कुछ करने के भाव जब उसका कुछ कर ही नहीं सकते तो उसके अंदर कुछ भी हस्तक्षेप करने का भाव मिथ्या है, झूठा है, हे छोड़ने लायक बंद का कारण, तो क्या करें? दृष्टा क्या था प्रवर्तन और नहीं हो ऐसी दृष्टि दशा तो कम से कम उसके बुरा करने का भाव मत करो, भाव ही हो तो प्रशस्त राग भाव हो तो ये मानो कि बंद का कारण, पंडित जी ने पूरा एकदम स्पष्ट कर दिया। नहीं तो ये लोग क्या है, लोग इसके ऊपर बहुत आक्षेप लगाते भैया, और वो सीधे ही हमने चंद्राचार्य देव को ही नहीं छोड़ते हैं, कितने लोग तो इसको स्वीकार ही नहीं करते, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आप लोग तो फिर जाते नहीं इधर उधर में कि जहाँ ये जो है इसके ऊपर यदि कुछ भी जरा सा भी कोई मुद्दे की बात होगी कि अपन चलो किन किन पॉइंट पे अपने कॉन्फ्लिक्ट चलो उसको सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं, तो वो सबसे पहला इशू ये रेज होगा, इस गाथा का अर्थ करो, और जबकि इसमें मूल अमृत चंद्राचार्य देव में है कि अर्थ कि त्रियंचर मनुष्यों के प्रति करुणा भाव, उससे मोह को जानकर और उस मोह को दूर करो, माने ये मोह का चिन्ह नहीं, तुम्हारे अंदर यदि है ये भाव तभी मोह विद्यमान, ऐसी मिथ्या बुद्धि है तुम्हारे अंदर की नहीं, माने कैसी बुद्धि कि इसको श्रद्धा में भला जानता है, रखने लायक जानता है, मोक्ष का कारण मानता है, तो प्रगट मिथ्या दृष्टि हो जाती है। देखो पढ़ता हूँ मैं, समझ में आ रहा है कि टाइम हो गया, वैसे पूरा पूरा हो गया, कल करेंगे अपन इसकी टीका।